बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा दोस्तों, तो फिर हम लोग छत पर आ चुके हैं काइट फाइट करने के लिए। उम्मीद है कि आपको है ना कल की काइट फाइट बहुत अच्छी लगी होगी और आज भी काइट फाइट करेंगे। लेकिन आज यार हवा बिल्कुल चेंज है, आज उल्टी तरफ हवा है जहाँ पर सूरज है और हवा बिल्कुल ही नहीं है। तो दोस्तों आज फिर हम लोग है ना इसके कमेंट्स बहुत आए थे, इंडियन पतंग के कमेंट्स, तीन चार कमेंट्स आए थे कि यार इंडियन पतंग उड़ाओ। तो भाई ये इंडियन काट चील काट पतंग हम लोग उड़ाएंगे और दिल वाली उड़ाने वाले थे, लेकिन इसके कमेंट ज़्यादा आ गए इंडियन के। तो चलिए आइए हम लोग है ना इंडियन पतंग उड़ाएंगे चील काट को और उसको उड़ा के देखते हैं कैसी उड़ती है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों जब ये कटेगी ना तो लाजमी दिल वाली उड़ाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं कटी तो फिर इसी को उड़ाएंगे चलाएंगे। और अगर किसी ने कल कमेंट्स किया ना कि कौन सी उड़ानी है तो फिर वो उड़ाएंगे दिल वाली उड़ाएंगे। जो भी है, अगर दिल वाली उड़ानी है तो फिर दोबारा कमेंट्स करें, मैं दोबारा दिल वाली उड़ाऊंगा। जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे ना यार, मैं वही पतंग उड़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग पहले है ना पतंग उड़ा के चेक करते हैं कैसी है, कोई ख़राबी है तो उसको दूर करते हैं। अच्छा दोस्तों, तो भाई पहले हम लोग चले आइए चेक करते हैं अपनी पतंग के इसकी इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है, इसके कन्ने वन्ने सही है और इसके ठड्डे हम लोगों ने दोस्तों ऐसे मोड़ लिए। देखें ठीक है दोस्तों, चले आइए चेक करते हैं। अभी तो अपने हाथ की बनी हुई सदी से चेक करते हैं, उसके बाद है ना इसके ऊपर मांझा बांधेगी। दोस्तों बड़ी शानदार लग रही है और उड़ने में भी, और देखते हैं कोई लड़ाने आएगा जब देखेंगे मजा आएगा फिर तो। जब पतंग अच्छी होती है ना दोस्तों लड़ाने में बड़ा मजा आता है। तो दोस्तों देखिए यार, ये चील काट कितनी अच्छी उड़ रही है शानी भाई की, ये देखें हटके से लग रही है पतंग यार, आह क्या बेहतरीन उड़ रही है। तो दोस्तों चले आइए यार, एक पेज लाना आ गया है, इससे लड़ाते हम लोग, देखते क्या होता। और दोस्तों हम लोगों ने एक पेज काट दिया, देखिए वो जा रही है पिंक कलर की पतंग। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पहला पेज काटा है और बहुत देर के बाद काटा है पहला पेज, लेकिन पेज काटने में मजा आ गया दोस्तों। डील से काटा है, डील से आज खिंचाई से नहीं काटा, क्योंकि दोस्तों खिंचाई ना मारने का रुख नहीं था पतंग का, इसलिए हम लोगों ने ढील से ही लड़ा लिया आज। तो दोस्तों अब चले आइए देखते हैं यार, एक पीछे पेज पतंग कट के आ रही है, इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। ओ दोस्तों पतंग आ गई, कोशिश करेंगे दोस्तों निपटाने की, लेकिन लगता नहीं है कि हम लोग निपटा सकेंगे। कोशिश नीचे गिर गई, छोड़ दे। दो दोस्तों तो दोस्तों भाई आज काइट फाइट तो बहुत कम हुई, लेकिन यार आसमान बिल्कुल खाली पड़ा है, लेकिन यार शानी भाई की पतंग बहुत अच्छी उड़ रही है। ये देखें, ये हम लोगों ने अपने ऑर्डर पे बनाई थी चील काट, और मैं हम लोगों ने शानी भाई को मशवरा दिया था कि भाई इसको डिस्प्ले करो, सबको दिखा, सबको दो, और मुझे है ना ऐसी ये वाली पतंग है ना हमारे इलाके में उड़ते हुए भी नज़र आ रही है। तो डिज़ाइन दोस्तों, ये जो डिज़ाइन है ये मैंने पास करवाया था और आज ये हमारे इलाके में ना उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी जो अभी हम लोगों ने जो पेज काटा था वो भी यही चील काट था।
और देखिए कितनी अच्छी उड़ रही है पतंग दोस्तों, इसका लुक ही अलग है यार दोस्तों। जा रहा है लड़ाने आ रहा है यार ये तो। दोस्तों चले आइए, लाहौरी गुड्डा आया उससे लड़ाते चले, एक कावा गुड्डा उड़ रहा है उससे लड़ाते हैं दोस्तों, देखते क्या होता है हमारे डाइ। और दोस्तों हम लोगों ने तावा काट दिया, देखे दोस्तों वो जा रहा तावा, देखे दोस्तों बहुत दूर है नहीं तो लिपटा लेते हैं। देखा दोस्तों तावा गुड्डा काटा, तावा गुड्डा दो पेच काटे लेकिन अच्छे काटे। तो दोस्तों आज आसमान में पतंगे कम है, अभी एक और गुड्डा हो रहा है, चले आइए उससे लड़ाने चलते हैं। दोस्तों हम लोगों ने एक और गुड्डा काटा, देखे वो डाइस साइज का जा रहा है लेकिन यार उसको निपटा नहीं सकेंगे। देखा दोस्तों क्या बेहतरीन गुड्डा काटा दोस्तों। तो दोस्तों बस अब मगरिब भी आसान हो रही है, हम लोग काट फाट खत्म करते हैं, और आज दोस्तों बस तीन ही पेच काटे क्योंकि पतंगे कम उड़ रही थी, और शानी भाई की चील काट ने इंडियन पतंग ने भी कमाल कर दिखाया। देखे दोस्तों ठीक है, अब कल दोस्तों दिल वाले गुड्डे की बारी है इंशाल्लाह। ठीक है तो दोस्तों मेरी वीडियो देखते रहना, इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे कल असर की नमाज के बाद। अस्सलाम वालेकुम।